नहीं जी, हम ये तो सीख चुके कि अगर कोई भी गिवन डाटा है, उस गिवन डाटे के अंदर से हमें ये काउंट करना है कि कितने ऐसे सेल्स हैं जो कि नॉन ब्लैंक सेल्स हैं या नॉन एम्प्टी सेल्स हैं। तो उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था काउंट ए का। इसी तरीके से हमारे पास अगर कोई डाटा है, उस डाटे के अंदर से हमें ये काउंट करना है कि कितने ऐसे सेल्स हैं जो कि न्यूमेरिकल सेल्स हैं, यानी जिनके अंदर 1, 2, 3, 4 जो है वो आ रही है। उसके लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था काउंट का। इसी तरीके से अगर हमें डाटे के अंदर से ये काउंट करना हो कि कितने ऐसे सेल्स आ रहे हैं जो कि ब्लैंक सेल्स हैं, तो ब्लैंक सेल्स के लिए हमने फार्मूला यूज़ किया था काउंट ब्लैंक का। तो हमें ब्लैंक सेल जो है वो काउंट करके दे दिए थे सिस्टम ने। अभी एक बहुत ही वैलिड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया है पाउंड्स कंपनी ने। क्वेश्चन ये है कि अगर हमें कभी ये काउंट करना पड़ जाए कि कितने ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर अल्फाबेटिकल डाटा आ रहा है, यानी कि ABC आ रही है, तो इसके लिए हम सिंपल काउंट का फंक्शन जो है वो यूज़ नहीं कर सकते, उससे ये काउंट नहीं होगा। लेकिन एक सोल्यूशन है इसके लिए, हम काउंट इफ का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। काउंट इफ के फंक्शन को यूज़ करने से पहले आप देखिए नीचे दो बटन मैंने बनाए हैं। एक तो ये बटन है, ये कोटेशन मार्क का बटन है। इसके बाद दूसरा बटन है स्टेरिक का। ये स्टेरिक का वही बटन है जो हम मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फार्मूले को। इक्वल्स टू करके काउंट इफ का फार्मूला है इसके लिए। काउंट इफ करने के बाद आप ब्रैकेट स्टार्ट करें, तो देखिए ब्रैकेट स्टार्ट करते ही मेरे पास नीचे जो है वो रेंज को हाईलाइट कर दिया, यानी कि काउंट इफ के बाद अभी हमें जो फर्स्ट चीज़ रिक्वायर्ड है वो है रेंज। तो रेंज सेलेक्ट करें, जिस डाटा जितने डाटा में से आप ये काउंट करना चाह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सेल्स कितने हैं। तो रेंज को सिलेक्ट करने के बाद आप उस रेंज के बाद कॉमा आ रहा है, तो कॉमा आप जैसे ही दबाएंगे तो देखिए क्राइटेरिया हाईलाइट हो गया है। तो अभी हमें क्राइटेरिया देना है। तो अब अगर हम ये काउंट करना चाह रहे हैं कि अल्फाबेटिकल सेल्स कितने हैं, तो इसके लिए क्राइटेरिया है कि आप कोटेशन मार्क को स्टार्ट करें। कोटेशन मार्क स्टार्ट करने के बाद स्टेरिक का बटन, उसके बाद कोटेशन मार्क को क्लोज कर दें। कोटेशन मार्क क्लोज करने के बाद आप ब्रैकेट को बंद करें। हमने देखा कि कोई भी फार्मूला ख़त्म करने के लिए हम ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इसके साथ ही एंटर करते हैं। तो अभी देखें कि इस फार्मूले के तहत हमें ये बता रहा है कि इस सिलेक्टेड डाटा के अंदर 7 ऐसे सेल्स हैं जो कि अल्फाबेटिकल डाटा के ऊपर मुश्तमिल है। हम काउंट करते हैं, देखिए 1, 2, 3, 4, उसके बाद 5, 6, 7। तो 7 ऐसे सेल्स हैं जिनमें अल्फाबेटिकल डाटा है या कि ABC जो है वो लिखी हुई है। तो इस तरीके से हम ये काउंट कर सकते हैं कि अल्फाबेटिकल सेल्स कितने हैं इस डाटा के अंदर।